झारखंड में आगामी 25 अगस्त को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में होने वाली है। इस बैठक से पहले आज लोजपा के झारखंड प्रदेश इकाई की बैठक की गई। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी के साथ साथ कार्य समिति के सभी सदस्य को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई। प्रदेश की बैठक है, वो हमारा आगामी जो चुनाव होने वाला विधानसभा का उसके लिए है, जो काफ़ी हमारे लोग उसके जो प्रत्याशी के रूप में अपना अपना चाहते हैं अपने स्थान से जो मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं, उन लोगों ने आवेदन दिया है और अपने मांग को रख रहे हैं, जो हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे इन सभी का भावनाओं से। और हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी होने वाला है 25 तारीख को, जो रेडिसन ब्लू होटल में होगा, और उसके बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन सह अभिनंदन समारोह ये जो है यहाँ कार्निवल बैंकेट हॉल में होगा सेकेंड हाफ से। फर्स्ट हाफ में जो है हम लोग का कार्यकारिणी होगा, सेकेंड हाफ में वहाँ पर हमारा होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग कार्यकर्ता हमारे आएंगे और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे नए सांसदों का जो है अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन में जो संबोधित करेंगे या जो समस्याएं होंगी उस पर बात होगी। प्रदेश की बैठक है, वो हमारा आगामी तुम्हारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सौरभ, झारखंड में आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बैठक कर रही है। अब इसी को लेकर आज लोजपा झारखंड की प्रदेश इकाई की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी 25 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रांची पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। इसी को लेकर आज प्रदेश इकाई की बैठक बुलाई गई, जहां प्रदेश पदाधिकारियों को इसके साथ 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 कार्य समिति सदस्य को इस योजना को इस बैठक को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी यहां पर कार्य विस्तार करेगी इस पर चर्चा की जाएगी। तो इसी को लेकर चिराग पासवान 25 तारीख को रांची पहुंच रहे हैं, रांची के रेडिसन ब्लू होटल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रत्याशियों ने आवेदन किया अलग अलग सीटों के लिए उनसे अवगत होंगे। इसके साथ फिर ये कार्यकर्ताओं के साथ अभिनंदन समारोह रखा गया है, कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे चिराग पासवान और झारखंड के संदर्भ में चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से एनडीए फोल्डर में रहकर चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसी को लेकर आज बैठक की गई। अब 25 तारीख को देखना यह होगा कि किस प्रकार से दिशा निर्देश चिराग पासवान सभी कार्यकर्ताओं को देते हैं, क्या मूल मंत्र देते हैं झारखंड जीतने के लिए। चिराग पासवान आएंगे, कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके लिए पूरा दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसे में अगर बैठक की बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब चिराग पासवान बैठक करेंगे तो बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है झारखंड के लिहाज से, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आप भी बोल रहे हैं कि बीजेपी फोल्डर में रहकर चुनाव लड़ा जाए, बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ा जाए, एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ा जाए, ऐसे में अगर सीटों की बात आएगी कहीं ऐसा ना हो फिर तो पेच फंस जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी कार्य विस्तार कर रहे हैं, लगातार अहम बैठक बुलाई जा रही है। यदि बात कर ले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, तो वहाँ इनकी भी अहम बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी, इसके साथ ही जदयू भी प्रबल दावेदार यहाँ बताया जा रहा है। अब इसी को इसके साथ ही बिहार की एक और पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो मूल मंत्र देंगे और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि झारखंड में दलितों को किस प्रकार से साधा जाए इस पर भी चर्चा किया जाएगा। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि रामविलास पासवान जो कि दलितों के नेता माने जाते थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके पुत्र चिराग पासवान भी चल रहे हैं और अपने आप को पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित दलित का नेता
बताते हैं, तो इसी को लेकर झारखंड में भी दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। साधने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल चिराग पासवान आएंगे तो पूरी बैठक होगी और ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं, क्योंकि उस बैठक में जरूर मौजूद रहें। और फिलहाल उस बैठक में क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।